अस्सलाम वालेकुम। 5 से 7 जुलाई के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? 5, 6 और 7 जुलाई के दिनों में तकरीबन मानसून का ये जो धुआंधार तूफ़ानी सिलसिला है ये मुल्क भर में असरानंदाज होने हो चुका है, बल्कि आज जुमा से ही असरानंदाज हो चुका है। इसके असरात किन किन इलाकों में कितनी शिद्दत के साथ जो है देखने को मिलेंगे, ताज़ा तरीन मौसम सूरतहाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में तमाम सूबों के शहरों के नाम और उनकी तफसीलात मौजूद हैं, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाजरीन 5 से 7 जुलाई के दौरान कराची समेत सुबह सिंध के इलाकों के। तो कराची समेत सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें कराची समेत हैदराबाद, ठट्ठा बदीन, केटी बंदर, सजावल, मकली, उमरकोट, इस्लामकोट, नगर परकर, थरपारकर के इलाके शामिल हैं। सांगड़, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आदम, टंडो अल्ला यार, सखर, लाड़काना, जैकब आबाद, जामशोरो, मटियारी, कश्मोर, घोटकी और जितने भी सिंध के शुमाली, मशरकी और जनूबी इलाके हैं, तो इनके ज़्यादातर मकाम पर 5 से 7 जुलाई के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर लोकल डेवलपमेंट जो कि कोही कीर्थर और थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में होती है उनसे बारिश का इम्कान रहेगा। लेकिन ये जो मानसून का धुआंधार सिलसिला है इससे इन इलाकों में किसी भी खातिर बारिश का अच्छी बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन लोकल डेवलपमेंट से बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। कोही कीर्थर और थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है, यानी जुलाई के शुरू में ही मानसून थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरतहाल का बायस बना। लेकिन नाजरीन नोट फरमा लें, सिंध के इन इलाकों में 8 और 9 जुलाई के रोज़ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जिस बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह दिया जाएगा। यानी 8, 9 और 10 जुलाई के दौरान सिंध के इन इलाकों में मानसून की ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान है, जिस बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नाजरीन बलोचिस्तान के इलाकों की, जिसमें तुरबत, गवादर, जीवानी, ओड़माड़ा, पसनी, पंजगौर, खुजार, लस्पेला, मकरान, कोयटा, जैरा, चमन, पेशीन किला, सफला किला, अब्दुल्ला जो, मुसखिल, शेरानी, बारखान, कोहलू, ओथल, नोकंडी, दालबंदीन, तफ्तान के इलाके शामिल है, तो इनके ज़्यादातर मकाम पर भी मतलब जजवी आबार आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं पर हल्के से मौतदिल किस्म की बारिशें जो है हो सकती हैं। कोह सलमान पर होने वाली डेवलपमेंट के सबब जो रात गई भी बारिशें कोह सलमान पर डेवलपमेंट जो बनी थी वो बलोचिस्तान की तरफ हरकत कर गई और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का भी बाइस बनी, तो लोकल डेवलपमेंट से इन इलाकों में भी बारिश को इम्कान रहेंगे। नाजरीन नोट फरमा लें, सिंध और बलोचिस्तान के इन इलाकों में मानसून का यह जो सिलसिला पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों ऊपर असरअंदाज हो रहा है, इसका ज़्यादातर असर इधर देखने को नहीं मिलेगा। यानी सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर मकाम पर लोकल डेवलपमेंट से बारिश के इम्कान रहेंगे 7 जुलाई तक, जबकि 8 और 9 जुलाई और 10 जुलाई के दौरान बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कान रहेंगे, जिस बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते जाएंगे। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल की नज़र डाली जाए तो जैसा कि आप नशे में देख सकते हैं कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सुबह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के तमाम मशरकी वस्ती और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर मकाम पर मतला जजवी अबर आलूद रहने के अलावा कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिशों का आगाज़ हो चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त थंडर सेल बने हुए हैं, जिसके सबब मूसलाधार बारिशें वक्फे से जारी हैं और आइंदा आने वाले मजीद 3 दिनों तक, यानी 5 जुलाई, आज जुमा, 5 जुलाई से लेकर 6 और 7 जुलाई के दौरान वक्फे से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। पंजाब के हवाले से बात करते चलें तो पंजाब के तमाम मशरकी, शुमाली और बलाई इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान रहेंगे। यानी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वस्ती और शुमाली पंजाब की निस्बत कम बारिशें होंगी, लेकिन वस्ती और शुमाली पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त मूसलाधार से शदीद तूफ़ानी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। अगर तफसीलात के साथ इन इलाकों की बात की जाए तो नाजरीन शुमाली पंजाब के इलाकों में जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक चकवाल, जेहलम, नारवाल, सियालकोट, लाहौर, डस्का, शेखुपुरा, झंग, कसूर, मुरीद के, मंडी, बहाउद्दीन, खारियाँ, टोबा, टेक, सिंह, लाला मूसा, शकरगढ़, मंडी, बहाउद्दीन, इसके साथ साथ जफरवाल, पसरोर, शेखपुरा, लाहौर के इलाके शामिल हैं, खुशात, अलागंग, वादिया, सून, नूरपुर, थल और वस्ती पंजाब में जिसमें खानेवाल, साहिवाल, विहाड़ी, पाकपतन, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया, भक्कर, कोटद्दू, लोधरा, जहरपीर और जनूबी पंजाब में बावलपुर, बावलनगर, अहमदपुर, शरकिया, रहीम खान, ओशरीफ, मैलसी, विहारी, बूढ़ेवाला, आरिफ वाला, अलीपुर, लियाकतपुर, हेड पंज, नंद के इलाके शामिल हैं। अगर मजीद बात करते चले नाजरीन जनूबी पंजाब के तमाम तहसीलों के इलाकों की, तो जिसमें अहम बात करते चलें डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरो, सखी सरवर, जोटी बाला, जोटी जीनी, तोंसा, वोवा, झोकबोदो, लिया, चौक आजम, फतेहपुर, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, राजनपुर, जामपुर, रहीम खान, रुझान, मिजारी, लियाकतपुर, कोट, सबजल, कोट, मीठन, भावलपुर, लियाकतपुर, हेड पंज, नंद, हेड राजगान, फोर्ट रबास, खींचवाला, यतीम अली, फकीरवाला, भावलनगर, अहमदपुर, शरकिया, मंडी, यजमान, भावल,
नगर हारूनाबाद डूंगा बुंगा चिश्तें हवाली लखा हासिलपुर पाकपतन बुरेवाला कबीरवाला आरिफ वाला विहाड़ी शहर सुल्तान लोधरा कहरोल पक्का मुल्तान शुजाबाद खानीवाल जहानिया मियाँ चनू के इलाके शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम वस्ती और शुमाली और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ भागों में आज 5 जुलाई शाम रात से लेकर 7 जुलाई तक वक्फे वक्फे से रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकाम पर बादल बनने कहीं पर मोतदिल से तेज़ और बाज़ मकाम पर मौसलाधार बारिशों के इम्कान रहेंगे। तेज़ से शदीद आंधी का इम्कान मौजूद रहेगा जिसके सबब बहुत से नुकसान हो सकते हैं, तो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। शुमाली और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों के सबब अर्बन फ्लडिंग जैसे वाकयात रोनम हो सकते हैं, यानी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिससे शदीद मुश्किल का सामना रहेगा, तो मकामी अफराद और सियाह अफराद मोहतात रहें। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की, तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें चित्राल दीर सवात पिशावर एबटाबाद बटाग्राम मानसरा कोहिस्तान हरिपुर शांगला टांग बोनीर कलक करक डेरा इसमाइल खान चारसदार नौशहरा सवाबी बोनीर कुरम बजोड़ वजीरिस्तान के इलाके शामिल हैं, उनसे ज़्यादातर मकाम पर मानसून के ज़बरदस्त थंडर साल बनने के इम्कान मौजूद हैं 5 से 7 जुलाई के दौरान, जिससे ज़बरदस्त मौसलाधार बारिशों के इम्कान इन इलाकों में भी मौजूद रहेंगे। यानी कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सुबह पंजाब और पिशावर समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मकाम पर मानसून के इस धुआंधार सिलसिले से 5 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान ज़बरदस्त बारिश के इम्कान रहेंगे, जबकि इस मानसून सिलसिले के सबब सिंध और बलोचिस्तान के बहुत सारे इलाके महरूम रह सकते हैं। लेकिन इन इलाकों में भी 5 से लेकर 7 जुलाई के दौरान लोकल डेवलपमेंट से बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होती रहेंगी, लेकिन 8, 9 और 10 जुलाई के दौरान सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ भागों में ज़बरदस्त बारिशों के इम्कान रहेंगे, जिस बारे में आपको वक्तन फवक्तन आगाह कर दिया जाएगा। चूँकि ये वीडियो 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की है, यानी 5 से 7 जुलाई तक की ये वीडियो है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। इंशाल्लाह साथ साथ आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा और जैसे जैसे मौसमी हालात बताते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे दी गई मालूमात से मुत्तफिक होंगे। मौसम के हवाले से हर खबर हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।